दोस्तों, ये कहानी एक बंदर और एक चिड़ाकी है जो एक जंगल में रहते थे। बंदर का अपना एक घर था जो कि चिड़ाकी पेड़ पे रहता था। एवं बंदर को भूख लगी तो वो खाने की तलाश में बहुत दूर आगे निकल गया, जो कि जंगल से काफी दूर था। नदी पार करता वो दूसरे के कई वनों में खेतों में पहुंच गया और वहां पे कुछ भी वो खाना खाने लगा। उसे खाना बहुत अच्छा लगा उस जगह पर। इतने में दोस्तों क्या हुआ, वो चिड़ा भी रात को उड़ता हुआ कई अच्छे क्लास में पहुंच गया। उसे बंदर का घर अच्छा लगा तो वो बंदर घर में जाके बैठ गया। अरे वाह, इतना अच्छा मकान है, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। वो वहीं रहने लगा। जब वो रहते रहते दो चार पांच दिन हो गए तब बंदर को लगा मुझे मेरे घर वापस चलना चाहिए। बंदर तुरंत अपने घर को नदी पार करता हुआ वापस आ गया। जब उसे देखा कि मेरे घर पे एक कौन बैठा है, चिड़ा कहा मैं हूँ। बोला ये तो मेरा घर है, हट जाए यहाँ से। बोला नहीं, मैं नहीं हटूंगा, नहीं हट जाए यहाँ से, नहीं मैं नहीं हटूंगा। जब उन्हें इस तरह बहस करते काफी देर हो गई तो उन्हें निश्चय किया कि इसका निर्णय किसी और से करवा लेना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने तय किया कि नदी किनारे एक शेर रहता है जो कि पूजा पाठ में बड़ा मगन रहता है, उससे फैसला करवाना चाहिए। हालांकि वो भी जाना दुश्मन था, फिर भी उन्होंने सोचा कि वहां फैसला करवाना सही रहेगा। तो वो दोनों उस शेर के पास आ गए और शेर से कहा कि आप मेरा फैसला कर दो। शेर ने कहा अच्छा ये बात है। बोला क्या फैसला करना है। बोला आप हमारा ऐसा फैसला कर दो कि उस घर का मालिक कौन रहेगा और जो झूठ बोले उसको आप खा लेना। शेर ने कहा नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, खाना बुरी बात है, उसे पाप लगता है। अगर मैं किसी को खाऊंगा तो भगवान ही मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं किसी को नहीं खाऊंगा। तुम दोनों एक काम करो, जहां से मेरे कान के पास आओ मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा विश्वास करो। अंदर भी उछल लगा और कौवा भी उछल। दोस्तों, शेर की ऐसी बातें सुन के चिड़ाकों और बंदर को विश्वास हो गया और वो दोनों एक साथ शेर के पास गए। चिड़ा भी शेर के पास आ गया और बंदर भी शेर के पास आ गया। बंदर ने आप देखा ना ताब और एक साथ ने चपट्टा मार के चिड़ाकों और बंदर को दोनों को खा गया और खाता रहा खाता रहा खाता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें शत्रु से सावधान रहना चाहिए। शत्रु की हर चाल और हर बात को हमें पहले तोड़ मोड़ के देखना चाहिए। तो बच्चों, बताओ ये कहानी कैसी लगी? आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबाइएगा, इससे ऐसी अच्छी अच्छी और प्यारी मनोरंजक कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।